नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड कहानी चैनल। आज आप जानेंगे द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तानी फिल्म के बारे में। द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तानी फिल्म इतिहास की सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी है। इसमें फहाद खान और माहिरा खान ने अहम भूमिका निभाई है। ये पाकिस्तानी क्लासिक फिल्म मौला जट की रिमेक है। इसे दुनिया भर में बहुत पसंद किया जा रहा है। इसने बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर कमाई की है। 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट सरहद पार थिएटर में भी रिलीज हुई थी। इसमें फहाद खान और माहिरा खान सहित तमाम सितारों ने दमदार एक्टिंग की है। फिल्मों को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि विदेश में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। इसने बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड नहीं कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और जमकर कमाई की। दुनिया भर में वाहवाही लूटने के बाद अब यह फिल्म इस भारत में भी रिलीज करने की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे पहले ही बवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के एक नेता ने धमकी दे डाली है। ऐसे में अब द लेजेंड ऑफ मौला जट की इंडियन में रिलीज अटकती नजर आ रही है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता अन्मय खोपकर ने शुक्रवार 10 दिसंबर को धमकी दी है कि उनकी पार्टी पाकिस्तानी एक्ट्रेस फहाद खान की पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को भारत में रिलीज नहीं होने देंगी। अमय खोपर ने ट्वीट किया है, पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को भारत में रिलीज करने की योजना है। यह सबसे अधिक गुस्सा दिलाने वाली बात है कि भारतीय कंपनी इस प्लान को लीड कर रही है। राजा साहेब के आदेश में हम इस फिल्म को भारत में कहीं भी रिलीज नहीं होने देंगे। अन्मय खोपकर खुद भी फिल्म मेकर्स हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में फहाद खान के फैंस को देशद्रोही कहा है। उन्होंने एक और ट्वीट किया है, फहाद खान के फैंस देशद्रोही पाकिस्तान जाकर फिल्म देख सकते हैं। बिलाल लश्करी के डायरेक्शन में बनी द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तानी फिल्म इतिहास की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म है। इसे इंडिया में 23 दिसंबर 2022 में रिलीज करने की प्लानिंग है। इसी दिन रणवीर सिंह की सर्कस फिल्म रिलीज हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक द लेजेंड ऑफ मौला जट में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई है। फवाद के साल 2014 में सोनम कपूर के साथ खूबसूरत फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिर वो आलिया भट्ट संग कपूर एंड सन्स में नजर आए। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म ए दिल है मुश्किल थी, जो 2016 में रिलीज हुई थी। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।